आज हम लोग SSB के बारे में बात कर लेते हैं। SSB होता क्या है? SSB का जो शॉर्ट नेम, ये लॉन्ग नेम है, वो बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जानते हैं। और ये होता क्या है कि NDA का एग्जाम होता है, CDS का एग्जाम होता है। NDA का एग्जाम हो गया आपका, CDS का एग्जाम होगा, और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एंट्री हैं जो कि उसके बाद SSB होता है। ठीक है, तो NDA का एग्जाम सबसे तो इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे जो कमांड लेकर चलूंगा मैं NDA के ही लेकर चलूंगा। NDA ठीक है, UPSC एग्जाम कराता है, UPSC एग्जाम कराता है NDA का दो पार्ट में। एक तो होता है आपका मैथमेटिक्स और दूसरा होता है GK, GK इंग्लिश उसमें रहती है। ठीक है, मैथमेटिक्स और GK, फिर उसके बाद एक अगला फेज जो आता है SSB का आता है। तो इसी SSB के बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए, ऑल अबाउट SSB, ऑल अबाउट SSB, और जब इंडिया का एग्जाम होता है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया का एग्जाम कराता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे जो डिफेंस हमारी इंडिया में है वो तीन डिफेंस है, एक तो इंडियन आर्मी है, एक इंडियन नेवी है, और एक आपका इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो इंडियन आर्मी का लोगो सबको पता ही है, इंडियन एयरफोर्स ये लोगो, और इंडियन नेवी का लोगो ये। अब बात कर लेते हैं रैंक, क्या रैंक होती है आर्मी में, रैंक कौन कौन सी होती है। कि सबसे पहले जब आप SSB देखे जाओगे तो आपको कौन सी रैंक अलॉट की जाएगी। तो सबसे फर्स्ट आप SSB के बाद आप जा रहे हो तो उसका आपका ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग के बाद आपका पहला पोस्ट जो होगा लेफ्टिनेंट, सेकेंड कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल ऑफिसर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, और चीफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट रैंक, नेवी की रैंक कौन कौन सी है, नेवी की रैंक कौन कौन सी है। तो आपकी नेवी की रैंक है, इसमें पहला नेवी में जा रहे हो तो आप सब लेफ्टिनेंट बनोगे, लेफ्टिनेंट बनोगे, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ और एडमिरल। ये हो गया आपके नेवी की पोस्ट। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स, एयरफोर्स की जो रैंक होती है वो कौन कौन सी है। एक तो है फ्लाइंग ऑफिसर, सबसे इनिशियल जो होगा फ्लाइंग ऑफिसर, नेक्स्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एयर चीफ मार्शल। ये तो आपकी हो गई रैंक, ये आपकी क्या हो गई रैंक हो गई एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। नेक्स्ट SSB एंट्री। अब SSB एंट्री किस तरीके से SSB होता है, आपको SSB में एंट्री किस तरीके से मिलती है। तो पहला बात है आपका 10+2 होना, या तो आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट मतलब कि आफ्टर 12th BA, BSc, BCom, BTech, MTech, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो पहला है NDA, NDA जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये 10+2 लेवल होता है, 10+2 लेवल एग्जाम होता है। और देखो जिन बच्चों को तैयारी करनी होती है, जिनको डिफेंस में जाना है, जो कि ऑफिसर बनके, तो उनको जो है 10+2 के बाद से आफ्टर 10th के बाद वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को रहता है कि सर कब से तैयारी की जाए, तो आपको फर्स्ट टाइम पे इसको निकालना है पहली बार में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास 9th से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट TES है, ये है टेक्निकल एंट्री टेस्ट। इसमें भी टेक्निकल एंट्री टेस्ट में कोई एग्जाम नहीं होता है, केवल इसमें SSB होती है, आपके परसेंटेज बेस्ड लेते हैं इसमें। ग्रेजुएट एंट्री स्कीम, या जिसको हम CDS बोलते हैं, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें भी आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, एग्जाम होता है, उसके बाद SSB आता है। नेक्स्ट NCC स्पेशल एंट्री, वुमेन एंट्री स्कीम। अब बात कर लेते हैं इंडिया में जो है SSB सेंटर, SSB सेंटर इंडिया में कौन कौन है। तो SSB सेंटर की बात कर लेते हैं इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद UP, इसमें 11 SSB, 14 SSB, 18 SSB, 19 SSB, 34 SSB, 36 SSB। नेक्स्ट भोपाल, MP, भोपाल मध्य प्रदेश, इसमें 20 SSB, 21 SSB और 22 SSB। नेक्स्ट बेंगलुरु कर्नाटक, 17 SSB और 24 SSB, ये आपकी जो है SSB सेंटर है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग शेड्यूल एट SSB, SSB में किस तरीके से टेस्टिंग शेड्यूल होता है। ठीक है, तो SSB का जो मैं बताया हूँ, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, ये तीन स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज जो होता है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो होता है वो डे वन कवर होता है, सेकेंड स्टेज जो होता है इसमें से 2, 3, 4, 5 मतलब 2, 3, 4, 5 डेज का इसमें टाइम लगता है स्टेज सेकेंड में। स्टेज थर्ड जो होता है इसमें मेडिकल टेस्ट होता है। और नेक्स्ट अब देखो डे वन की बात कर लेते हैं, स्टेज फर्स्ट डे वन, स्टेज फर्स्ट डे वन में क्या आएगा, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग बोलते हैं। जब स्टेज फर्स्ट डे वन होता है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट कितने टेस्ट को कंसिस्ट किए हुए होता है। तो पहला है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, आपको जो कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ अपने चैनल पे, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, दो चीज़ें होगा यहाँ पे। वर्बल का मतलब आपके जो ए से जेड तक जो होते हैं, और नॉन वर्बल मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे कोई वर्बल नहीं, कोई अच्छा नहीं, फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सेकंड टेस्ट आपका होता है PPDT, सेकंड टेस्ट क्या होता है PPDT क्या होता है, पिक्चर परफेक्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, ये PPDT जो होता है ये पिक्चर बेस्ड टेस्ट होता है, क्या होता है, पिक्चर बेस्ड टेस्ट होता है। और इन दिस टेस्ट कैंडिडेट विल हैव टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ पिक्चर दैट विल बी शोन। ठीक है, PPDT में आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उसके बेस पे आपको एक स्टोरी को फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट अब स्टेज फर्स्ट जैसे ही खत्म होता है आपको आराम करने के लिए जाता है, अगले दिन दूसरे दिन फिर आप आते हो, दूसरे दिन आपको फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है। तो डे टू में क्या होता है, डे टू की बात करते हैं तो पहला टेस्ट डे टू में टैट होता है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट।
वैट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी, तीसरा टेस्ट एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, चौथा टेस्ट जो होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये हो गए आपके डे टू के, ये आपके हो गए डे टू, ठीक है। फिर डे टू के बाद आपको यहाँ से छुट्टी मिली, फिर आप फिर गए डे थ्री, फिर आपको डे थ्री में क्या होगा, डे थ्री में जीटीओ फर्स्ट यहाँ चलता है, जीटीओ फर्स्ट पहला टेस्ट डे थ्री में होता है, तीसरे दिन जीडी ग्रुप डिस्कशन, सेकंड जीबीई ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, थर्ड पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फोर्थ जीओआर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, फाइव फिफ्थ एचजीटी हाफ ग्रुप टास्क, फिर सिक्स लेक्चर एट। नेक्स्ट अंतिम और जो लास्ट डे होता है डे फोर, इसको बोलते हैं जीटीओ सेकंड। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, सिटी कमांड टास्क, एफजीटी फाइनल ग्रुप टास्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया डे फोर का। अब भैया डे फोर के बाद क्या होता है, आपका जो सिलेक्शन फाइनल ग्रुप टास्क हो गया, फिर डे फाइव वाला बचता है एक, जो कि अंतिम या लास्ट दिन, जिसमें से आपका कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि डे फाइव में कुछ भी नहीं होता, केवल एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। मतलब कि सब लोगों ने कहा कि 5 दिन का एसएसबी होता है, अब 5 दिन केवल सभी दिन एसएसबी कहाँ है, आप देखो लास्ट डे में केवल कॉन्फ्रेंस होगी और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। मतलब मेन डे आपके बचते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डे, फिफ्थ डे में तो कॉन्फ्रेंस और डिक्लेरेशन होता है, दोपहर तक आपका रिजल्ट दिखा दिया जाएगा, आप एक लेफ्टिनेंट बनने लायक हो या नहीं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, धन्यवाद।